माँ गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर भारतीय संस्कृति रक्षा परिषद द्वारा माँ गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती से पहले माँ भगवती गंगा के मंदिर में व सरोवर के समीप गंगा जी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन हुआ। इस मौके पर गुरु गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय प्रमुख द्वारिका तिवारी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, समिति के महामंत्री विकास जलान, संतोष कुमार अग्रवाल, दुर्गेश बजाज, विनय गौतम, अजय सिंह मौजूद रहे। गंगा पूजन का कार्यक्रम आचार्य पंडित रोहित मिश्रा ने संपन्न कराया। तत्पश्चात प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने कहा कि भगवती गंगा हम सब की माँ है। हम लोग माँ गंगा के अवतरण दिवस पर केवल पूजन ही नहीं बल्कि यह संकल्प भी लेना होगा कि गंगा ही नहीं सभी नदियों के प्रति हम मात्र भाव रखते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उन्हें प्रदूषित नहीं होने देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन और मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अवित्रः पवित्रो जगमानस्य बाले तिलकरण कास्तु ध्यानार्थे अक्षत गुसबाड़ी समर्पयामि। त्रयोदयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणां गोगुत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। माला प्रणाम किया था। हाँ दूरी से खड़े होंगे सब लोग। सब लोग पूरी दूरी बना के लाइन से पूरा एकदम पूरी दूरी। फ्रीडम लगा ना रूपा।
ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्कारोमि। बोलिए गंगा मैया की जय। आज एक बहुत दिनों से परिपाटी चली आ रही है हम लोग के संस्था द्वारा, वो हम लोग राजघाट पर जो है पहले गंगा दशहरा पर वहाँ पर आरती करते थे, और ये पिछले 5 वर्षों से लगभग यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में बाबा तपोभूमि पर हम लोग आकर के यहीं गंगा दशहरा पर आरती करते हैं। आज गंगा जी जो है अवतरित हुई थी वो जेठ सुधी दशमी को, और यह एक पुनीत पर्व है, आज से शुरू होता है, सभी लोग इसको शुभ मानते हैं। गंगा जी का अवतरण ही अपने आप में एक बहुत शुभ कार्य है, क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयास से गंगा जी आई और कितने लोगों का उद्धार कर रही हैं। पहले भी उद्धार हुआ और आज भी जहाँ भी गंगा जी हैं सब लोग अपने को उनके जल से ये समझते हैं कि हम लोग पवित्र हो गए, और सचमुच गंगा जी का जल हर शुभ काम में इस्तेमाल किया जाता है, और गंगा जी अपने आप में पवित्र हैं और सारे संसार को पूरे सब लोगों को वो उनके द्वारा आशीर्वाद मिलता है और अपने अपने को वो धन्य महसूस करता है। ऐसे गंगा जी को हम नमन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ताकि वो संसार का सबका सुख जो है सबको बांटें, यही हमारी कामना है। आज ज्येष्ठ सुधी दशमी है, माता गंगा जी का अवतरण माना गया है। इस दिन परंपरा से कई वर्षों से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मंदिर की तरफ से और संस्था की तरफ से होता है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है, मान्यता है। आज ये पूर्ण दिन है, आज हम जो भी कार्य करेंगे वो शुभ माना जाता है। किसी भी कोई कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे, शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, या कोई भी कार्यक्रम ऐसे शुरू होंगे तो बड़ा ही पुण्यदायी होते हैं। वैसे माता गंगा जी का समाज पर अति प्रभाव है, मान्यता भी है। गंगा जी अनादिकाल से उनकी मान्यता पूरे समाज में बनी हुई है। गंगा गंगा जो नर कहीं भूखे नंगा कभी रहें, ये कहावत अनादिकाल से प्रचलित